सीरियल गो में किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर ईशान खुद अपनी आय की जान बचाने वाला है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि ईशान जबरदस्ती ईशा से साइन करने के लिए कहता है और खुद बाहर चला जाता है, और ईशा साइन करके वहां से उसे कोई होश नहीं होता और उसे बस ईशान के बचपन की बातें याद आ रही होती है, और वो कॉरिडोर से होकर रास्ते से मेन दरवाजे से बाहर निकल ही रही होती है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है, गुंडा, जो मंदार ने भेजा होता है, और वो उसे गोली मार देता है। ईशान यहाँ पर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, और वो जो उसके खून से सारा जो तलाक के पेपर्स होते हैं वो सारे खून में हो जाते हैं और वो तलाक के पेपर्स मिट जाते हैं। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर भाई सभी जो कि अब मिलाना चाहती है शिखा को और अस्मिता को ईशा मैम से, लेकिन ईशा मैम तो आती ही नहीं, उसे गोली लग चुकी है। और देखने को मिलता है कि ईशान जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है, और उसे पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि डॉक्टर्स को, जिससे कि आईसीयू में उसकी पूरी तैयारी कर दी गई है। लेकिन डॉक्टर साफ कह देते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है, इसलिए उन्हें खून की ज़रूरत है, और नेगेटिव ब्लड चाहिए, जो किसी और का नहीं सिर्फ और सिर्फ ईशान का होगा। और कॉलेज में आने में स्टूडेंट्स को वक्त लगेगा, इसीलिए ईशान ही अपनी आई को बचाते नजर आता है। अब भाई ईशान आई की हालत देख नहीं पाता और उसे ईशा मैम की जगह आई के पुकारता है, और साथ में ही अब उसे खून देकर जान भी बचाएगा, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आता है। लेकिन ईशान उसे जैसे आई के पुकारेगा उसे होश आ जाएगा। दूसरी तरफ उसके परिवार को पता चलता है कि भाई ईशा को गोली लग चुकी है, वो सब भाग कर वहाँ पर पहुँचते हैं, और ये नज़ारा देख कर कि ईशान ईशा को आई के पुकारा है, उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन सभी खुश हो जाती है। और अब देखने को मिलने वाला है किस तरह से ईशा ने अपनी आई की जान बचाई, ये सुनकर भोसले परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और दूसरी तरफ ये तलाक भी रुक जाने वाला है।